अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज हसी मुश्ताक, योर मैथमेटिक्स लेक्चरर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल. टुडे इज माय लेक्चर फॉर क्लास 9th N1 बॉयज एंड गर्ल्स, एंड टुडे इज द टॉपिक इज चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 2.2. आई विल ट्रायल माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 एज वेल. लेट्स सी. Now we shall start our today's topic. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको जो एक्सरसाइज 2.1 करवाई थी वो कंप्लीट करवा ली थी. उसमें से एक क्वेश्चन जो मुझे था कि पॉसिबल है आपको उसमें से मुख्तलिफ क्यूरीज आए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6, हाउ टू प्रेजेंट स्केयर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. ठीक है जी, इसको हल करने का तरीका आपकी स्क्रीन में सामने आपको नजर आ रहा है, मैं गाइड कर देता हूँ. स्केयर रूट 5 को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर. ठीक है, हो गया. यानी इट मींस कि 4 प्लस 1 दैट इट गिव्स 5 स्केयर रूट. 4 जो है वो 2 का स्केयर आ गया प्लस 1, तो ये आ गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 स्केयर रूट. यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये अब आपके पास ओ बी जो है वो हाइपोटेनियस है और ये बेस और ये परपेंडिकुलर. तो हम नंबर लाइन के ऊपर बेस ड्रॉ करेंगे 2 तक, यानी बेस कितनी है 2, तो बेस 2 ड्रॉ करेंगे. देन उसके बाद हम रफली जो है वो 1 जो है वर्टिकली 1 ड्रॉ करेंगे, यानी ये 2 पॉइंट्स हैं और वाई एक्सिस के दौरान वाई एक्सिस के ऊपर 1 है. ये 2 और ये 1, ये ड्रॉ हो गए. अब हम लोग एक आर्क के जरिए पहले हम इस ओ पॉइंट को, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको बी से ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएंगे. देन हम यहां कंपास रख के यहां तक ओपन करेंगे बी पॉइंट तक और एक आर्क लगाएंगे. क्लियर हो गया? दोबारा सुनिएगा, स्क्वायर रूट 5 को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये 5 को फैक्टराइज किया हुआ उसने, यानी ये 4 और ये 1. ठीक है, तो 2 उसकी बेस हुई क्योंकि 2 का स्केयर है ये, 2 बेस और 1 परपेंडिकुलर. तो अब नंबर लाइन के ऊपर बेस एक्स एक्सिस के अलोंग होती है और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग. तो वाई एक्सिस के अलोंग हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस के अलोंग 2 पॉइंट्स. 0 यानी जो पॉइंट ओ है इसको ड्रॉ कर दिया हमने इस यहां से, और ये बी को आपस में ज्वाइन कर दिया, यानी ज्वाइन ओ टू बी. तो ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी हाइपोटेनियस. हमने एक्चुअल में डिस्टेंस फाइंड करना है स्क्वायर रूट 5 का. तो यहाँ पॉइंट ओ पर आपने आर्क प्रकार रखी, रखने के बाद बी तक ओपन किया, तो कि आर्क ड्रॉ की जो उस आर्क ने इस नंबर लाइन को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया. पी टू ओ जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट 5. ठीक है, बाय ड्राइंग एन आर्क विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस ओ बी वी गेट पॉइंट पी रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन. क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन था जो कल मैंने आज सोचा कि आपको इसको गाइड कर दूं. ठीक है, चलें जी, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट लेते हैं प्रॉपर्टी. अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. ये प्रॉपर्टीज आपको वैसे आनी चाहिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर, जब हम क्वेश्चंस करते हैं या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम उसको वहां आइडेंटिफाई नहीं करते. लेकिन आप लोगों को इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि यहां कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है. ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन. हम एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टीज कर रहे हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लेयर प्रॉपर्टी. क्लेयर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रियल नंबर्स को ऐड करें, दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो उनका सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर के इक्वल आएगा. तो इसमें कोई गलत नहीं है, यानी अगर हम 2 + 5 करते हैं तो आंसर आता है 7. तो 7 इज ऑल्सो रियल नंबर. यहाँ एक एग्जाम्पल दी है, इफ -3 and 5 एड करेंगे तो आंसर किस में आ रहा है, रियल नंबर के अंदर. ठीक है, देन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने मैट्रिसेस के अंदर भी डिस्कस किया था कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है दो डिजिट्स के दरमियान. ठीक हो गया, कम्युनिकेशन है ना जी, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन. 2 पर्सन के दरमियान कम्युनिटी होगी, इंसान अकेला तो नहीं कम्युनिकेट कर सकता.
तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बनेगी टू डिजिट्स के दरमियान, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यानी बात एडिशन के लिहाज से जो नंबर्स में है, रियल नंबर्स में है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो दोनों का आंसर 5 आएगा, तो ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होगी। यानी समझ ही आई कि जब भी दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही होंगी और उनको रिप्लेस करके भी ऐड किया जाए तो वो किस चीज़ की निशानदेही करेगा, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के अंदर एक से ज्यादा डिजिट यानी दो से ज्यादा डिजिट आ जाते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएशन है एक की दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ, ठीक है जी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ऑपरेशन डिफरेंट तरह से हुए हैं, लाइक है एडिशन ही, लेकिन यहाँ पहले ए प्लस बी को ऐड किया देन सी को, यहाँ पहले बी प्लस सी को देन ए को, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। एग्जाम्पल ये बना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि ऐसा नंबर जो किसी भी डिजिट के अंदर ऐड किया जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो ये सब बच्चों को उसी वक्त जेहन में क्लिक कर देता है कि जीरो एक ऐसी आइडेंटिटी है कि जो किसी भी नंबर में ऐड हो तो उसके ऊपर उसकी सेहत पर फर्क नहीं डालती। ठीक हो गया जी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर जीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, ये उसकी एग्जांपल उसने दी, एडिटिव नंबर्स। इनवर्स कहते हैं ओल्ड को, तो जब ओल्ड की बात आती है तो जमा को ओल्ड माइनस होता है। ठीक हो गया। तो इसका इसका जो प्रोसीजर होता है, इसका तरीकेकार होता है एडिटिव इनवर्स का, कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना, अगर कोई ऐसा नंबर किसी नंबर में ऐड किया जाए और ऐड करने के बाद उसका आंसर जीरो आ रहा हो तो वो जो नंबर ऐड हुआ है वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। लेट सपोज सिंपल इज दैट, अगर हम कह दें किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक हो गया। यानी ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी ये इसका माइनस ए इसका एडिटिव इनवर्स हुआ। क्या हुआ जी? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद एन अंडर मल्टीप्लीकेशन। उसमें जी क्लियर प्रॉपर्टी है, क्लियर प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि पहले हमने कहा था एडिशन के लिहाज से, अब है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, कि दो रियल नंबर्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, वो रियल नंबर ही होगा। क्लियर। अब आ गया क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के अंदर भी वही है कि अगर 2 × 3 किया जाए और 3 × 2 किया जाए दोनों के आंसर सेम आएंगे, यानी ये भी दो डिजिट्स के दरमियान, दो रियल नंबर्स के दरमियान होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज इट इज वही होगी, सिर्फ यहाँ मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से है कि ए बी को फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे देन सी एंड ए, यानी ये तीन डिजिट्स की एसोसिएशन आपस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जो आपकी गाइडेंस के लिए मेन चीज है वो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से मुराद है कि ऐसा नंबर बताएं, ऐसा यूनिक रियल नंबर कि जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी सेहत पर फर्क ना पड़े, यानी वही एलिजिट आ जाए। तो 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करें किसी भी रियल नंबर के साथ तो उसका आंसर वही आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 1 किसी भी नंबर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स। इनवर्स से मुराद है, यानी अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो ए और उसका इनवर्स होगा 1 ओवर ए, तो सिंपल इज दैट आंसर आएगा 1। यानी यहाँ ये है कि ऐसा डिजिट ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आ जाए। तो यहाँ ए है तो ए का इनवर्स होगा 1 ओवर ए। माइनस 1 इसलिए लिखा हुआ है कि जब ऊपर वैल्यू चले जाएगी, ये डिवीजन है 1 ओवर ए है, ऊपर जाएगी इसके पार माइनस हो जाएगी, ये एक्सपोनेंट लॉस के तहत होता है। ठीक हो गया। ये भी हम आगे गाइड मैं गाइड करूंगा और आगे हम पढ़ेंगे भी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सबट्रैक्शन। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है और ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आसान अल्फाज में समझा दूं कि इसके अंदर दो ऑपरेशन एक टाइम में वर्किंग कर रहे हैं, यानी पहले हम पढ़ गए ना एक एडिशन के लिहाज से और एक सब्ट्रैक्शन के लिहाज मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ एडिशन भी है और मल्टीप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए इंटू बी प्लस सी। कहता जी जब ए इंटू बी प्लस सी तो इक्वल होगा ए बी के प्लस ए सी के। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि जब ए से मल्टीप्लाई जाएगा बी के साथ तो ए भी बनेगा, और ए जब ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो अंदर मौजूद ब्रैकेट के तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया और ये राइट है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए सी प्लस बी सी। ये यानी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बना।
और एक एग्जांपल भी यहाँ करके दिखाई हुई है। अब आ गया जी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, इक्वालिटी की सबसे पहले ये बेटे सिर्फ एमसीक्यूज के लिए हमने तैयार करनी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, ए इज इक्वल टू ए, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तब होगी इसमें जाते ना, जब हम शीशा देखते हैं तो हम ही नजर आते हैं, तो वो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हुई। ए इज इक्वल टू ए, कोई भी रियल नंबर अपने रियल अपने इक्वल होता है किसी और के नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। सिमेट्रिक कहते हैं मुतशाकल को, हम शक्ल कहते हैं जी, इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, ये क्या हुआ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी ए बराबर बी के और बी बराबर ए के, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने लगे हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछी जाती है कि अगर ए इक्वल टू बी हो और बी इक्वल टू सी हो, यानी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, जाहिर बात है अगर ए इक्वल बी के है और बी सी के है तो जाहिर बात है ए किसके इक्वल होगा सी के, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी बेटे होती है सिंपल सी, अगर दो रियल नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनमें कोई इक्वल नंबर दोनों साइड पे ऐड किया जाए तो जाहिर बात है लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड पे आंसर सेम आएगा। लेट्स सपोज 5 + 5 और 5 ही है, यानी ए 5 है बी भी 5 है, तो हम उसमें एक नंबर सी ऐड करें दैट इज 3, तो 5 + 3 5 + 3 दोनों साइड पर 8 आंसर आएगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी के दो रियल नंबर आपस में इक्वल है इनमें कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल आएगा। ठीक है जी, हमारे पास आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये बेटे इतना ये इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, हमारे पास आगे इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज का इक्वालिटी होती है सिर्फ एक चीज उसमें आती है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, बराबरी का जो अलामत होती है उससे वो इक्वेशन मान जाती है। और इनइक्वालिटीज में जिसमें डाउटेड चीजें हों लाइक लेस देन इनइक्वालिटीज, ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज, लेस देन एन इक्वल टू इनइक्वालिटीज, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज, ठीक है, इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज फॉर रियल नंबर, ट्राइकोटमी, ट्राइकोटमी में क्या है कि अगर ए लेस देन है बी के और ए इक्वल है बी के, और यानी दो रियल नंबर के अंदर हम रिलेशन देख रहे हैं, इसकी तीन सूरतें, या वो बड़ा होगा या वो छोटा होगा या वो बराबर होगा, इसे कहते हैं ट्राइकोटमी और ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी इन रियल नंबर्स, ठीक हो गया जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज की पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अब करने लगे हैं इनइक्वालिटीज की, ठीक है, पेपर में जब आएगा वो इनइक्वालिटीज की भी पूछ सकता है, वो क्वालिटीज की भी पूछ सकता है। अच्छा जी, अब उसने कहा, अब इसमें जरा गौर समझिएगा, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, कहता है ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो जाहिर बात है ए छोटा हुआ सी से, इसी तरह ग्रेटर देन के अंदर, क्लियर। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास अगर ए ग्रेटर देन है बी के, ये क्या है ग्रेटर देन, और अब इसमें जिस तरह हम पहले मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं उसमें उसने एडिशन के लिहाज से बात की थी, यहां लेस देन और ग्रेटर देन के लिहाज से कहता है ए बड़ा है बी, तो इसमें एक सेम रियल नंबर ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है उसमें फर्क नहीं आएगा, फर्क ये आएगा कि वो रहेगा बड़ा ही बट प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, यानी ए सी बी सी इनके दरमियान रिलेशन बड़ा ग्रेटर देन ही रहेगा लेकिन वो बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह लेस देन के अंदर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी में सेम है कि अगर ए लेस देन है बी से, लेकिन यहाँ ये होता है, ये हमने आपको मैं बता चलूँ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में 7.3 में करना है, चैप्टर 7 में जाके ये प्रॉपर्टी को, ए इज लेस देन बी, जब इनके इनवर्स हैं तो इनवर्स ऑपोजिट हो जाएंगे, जब कर ही इनवर्स रहे हैं, काम ही ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इनके दरमियान रिलेशन भी ऑपोजिट आ जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे 7.3 चैप्टर नंबर 7। एडिटिव प्रॉपर्टी, अब ये भी उसके अंदर इनइक्वालिटीज के अंदर है, तो इसमें भी वही सिंपल सी बात है कि अगर ए लेस देन है बी के तो सी एक ऐसा कॉमन रियल नंबर जो इनमें ऐड करेंगे, ऐड होगा और इनका सम भी चेंज होगा लेकिन इनके दरमियान जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। अब जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसको जहन नशीन रखते हुए हमने इसको फुलफिल करना है एक्सरसाइज को, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए।
बच्चे स्टूडेंट्स आप सिर्फ ये इसको अपनी बुक पे ही सॉल्व कर लें, नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज को जहनशीन करना है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमारे पास आ गई सबसे पहले ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या है जी? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी। ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी, ये क्या है जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। 7 × 1 इज इक्वल टू 7, ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 आ गया, 1 ने उसी रियल नंबर में फर्क नहीं आने दिया मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, क्योंकि हम करते हैं ना जब मल्टीप्लीकेशन किसी भी रियल नंबर के साथ तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाती है, इसलिए 7 × 1 इज इक्वल टू 7, ये बन गया हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक हो गया जी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सॉरी, फोर्थ वन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज लेस देन वाई, तो ये कौन सी है? ट्राइकोटमी। शाबाश, आ गया जी ए मल्टीप्लाई बी, ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी, ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। यानी इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ऑपोजिट गए, पहले हम पढ़ते थे ना, हमने किया था प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कि ए इज इक्वल टू बी, तो उसमें कोई भी एडिशन कर दें किसी कॉमन नंबर का तो वो सेम रहेगा। इसी तरह हमने इसको उल्ट किया कि अगर कोई ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, इनके सम करने के बाद, कोई कॉमन नंबर इनमें ऐड करने के बाद, इसकी प्रोडक्ट, इसके एडिशन, इसमें इसकी इक्वालिटी में फर्क नहीं आता, इट मीन्स कि ए इज इक्वल टू बी है तो इसकी प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आता। पी 5 + -5, ये बेटे नेगेटिव नंबर है और ऐड हो रहा है अपने पॉजिटिव नंबर के, इट मीन्स ये एडिटिव इनवर्स है। 8th वन जी, 7 × 1/7, ये इसका इनवर्स है तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को निशानी की निशानदेही कर रहा है। 9a इज ग्रेटर देन बी, दैट इज ए सी, ये बटे हमारे पास आ गई मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटीज। अच्छा जी, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई हमारे पास, एक क्वेश्चन हमें दिया 3x + 3y - x, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, ये वाला इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाएगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जी, यहाँ अब 3x - 3x, ये आपके पास दो वैल्यूज होगी, यानी एक ये x की और ये y की, ये कौन सी प्रॉपर्टी को निशानदेही करा? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ये 0 आ गया, 0 + 3y, ये एडिटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये जो सोल्यूशन आया 0, ये एडिटिव इनवर्स की वजह से आया, क्लियर। उसके बाद अकेला 3y रह गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर को ऐड करें, सॉरी किसी भी नंबर को 0 में ऐड करें तो उसका आंसर वही रियल नंबर आए, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने आपके लिए छोड़ा, ये आप लोग खुद करेंगे। अब जो हमें प्रॉपर्टीज पढ़ गई दोबारा वही रिपीट हो रही है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.3 स्टार। इसमें हमने रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सीखना है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ इसके सम्स भी करेंगे। पहले हम एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है। अच्छा बेटे, रेडिकल किसे कहते हैं? जजर को, ठीक है। तो जजर जिसके ऊपर है वो रेडिकल फॉर्म है, जो पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चे अक्सर पावर ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसे कुव्वत नुमा कहते हैं, तो वो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। 5 - 8 का 5th रूट है, ये है रेडिकल फॉर्म, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो पावर बन गई 1/5। ये जहां 5 लिखा है ना बेटे, इसको कहते हैं इंडेक्स एरिया। यहाँ इंडेक्स में जो डिजिट लिखा होगा वही रेडिकल की पावर होगी, ठीक है। अब ये 2nd वन, यहाँ भी ये जो वैल्यू है एक्स की पावर 5, ये जो एक्स की पावर 5 है इसको कहते हैं रेडिकेंड, क्या कहते हैं? रेडिकेंड, और ये इंडेक्स है और सारे को रेडिकल। अब इसको भी पावर की फॉर्म में लिखा हुआ, तो जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी होगी तो जो उसका न्यूमिनेटर होगा वो रेडिकेंड की पावर होगी, जो डिनोमिनेटर होगा वो रेडिकल की पावर होगी, ठीक हो गया। अब ये है 3/4, वाई की पावर 3/4, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वाई की पावर 3 और होल इसका जो 4th रूट आ जाएगा, यानी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जो होगा वो रूट की क्योंकि इंडेक्स को शो कर रहा है, और जो न्यूमिनेटर है वो रेडिकेंड, इसी तरह 4th पार्ट।
अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं, ये तो हमने किया सिर्फ रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल रोटेशन, ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, हमारे पास आ गया 16x^4y^5^√। अच्छा याद रखें एक चीज मेरी बात वो से, कि जब हम किसी भी वैल्यू को जिसके ऊपर रेडिकल मौजूद हो फैक्टराइज करने जा रहे हैं, तो अंदर रेडिकेंड को फैक्टराइज उसके पावर के मुताबिक करेंगे, ठीक है। कैसे? अब ऊपर जो पार है रेडिकल वो है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट अंदर मौजूद क्यूब को ही खत्म करेगा, ठीक है। वो कैसे देखते हैं, 2 × 8 16 आ गया, क्योंकि 8 अलहदा करके इसे लिखा कि 8 क्यूब है 2 का, ठीक है। एक्स में से एक्स की पावर 4 में से एक्स क्यूब अलहदा इसलिए लिखा क्योंकि ये भी क्यूब है, वाई की पावर 5 में वाई क्यूब अलहदा लिखा क्योंकि ये भी क्यूब है, क्योंकि वाई की पावर 5 और वाई स्केयर मल्टीप्लब वाई क्यूब इनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक अगर हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस अगर सेम होती है, ये बेस कहलाई जिसकी पावर है वाई और वाई बेस है, बेस अगर सेम होती है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर प्लस होती है, ठीक हो गया। उसके तहत हमने इनको अलग कर दिया, ये क्यूब वाई के ऊपर से भी क्यूब खत्म हो गया, क्योंकि क्यूब रूट इस पे भी खत्म, इस पे भी खत्म, इस पे भी खत्म, हमारे पास आ गया 2xy², ये इन्होंने क्यूब मतलब अलग इसके ऊपर खत्म कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 2xy विदाउट क्यूब रूट, और चूंकि बाकी जो ये टर्म्स है इनका क्यूब रूट खत्म नहीं होता, ये क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वही जो एग्जांपल नंबर 1 हमने की, उसमें हमने राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल रोटेशन, और रेडिकल रोटेशन में रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में करना है, ठीक हो गया जी। -64 होल, इसका रेडिकल जो है वो क्यूब रूट है, यानी क्यूब रूट इसके ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे 1/3 में। इसी तरह 2^3/5 है, तो इसको हमने किया रेडिकल में। ये एग्जांपल्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, अब हमने ट्रू फॉल्स करने हैं। ट्रू फॉल्स में क्या है, ये बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। 5^1/5, कुछ बच्चे बगैर देखे इसको करेक्ट कर देते हैं, ये ना भूलें कि इसकी जो पावर है 1/5 है, यहाँ इस 5 का 5th रूट आना था लेकिन यहाँ नहीं है, ये स्केयर रूट लिखा है, तो ये फॉल्स। 2^2/3, 3 जो है वो रेडिकल की पावर है और 2 जो है वो रेडिकेंड की पावर है, तो इसने लिख दिया 4 स्केयर क्यूब रूट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2^2 4 ही होता है। 49 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 7। अच्छा, ये जो थर्ड एमसीक्यूज है, थर्ड है ये एमसीक्यूज पे कई दफा आ चुका है और बच्चे गलत करते रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी से, तो याद रखें कि 49 का स्केयर रूट 7 है, ओनली 7, नॉट 7 का स्केयर रूट, क्लियर है। x की पावर 27 और इसका क्यूब रूट, इसका आंसर x क्यूब लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, क्योंकि x अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो x की पावर 27 डिवाइडेड बाय 3 आता है, तो 3 × 9 = 27 आता है, तो x की पावर 9 अगर यहां होता तो वो ठीक होता, ठीक है जी। अब हमने सिंपलीफिकेशन सीखनी है, जो कि हम एग्जांपल नंबर 2 में भी सीख के आए हैं। सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस, -125 का क्यूब रूट है, तो -125 को हम की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो हमने इस 125 को फैक्टराइज किया क्यूब फॉर्म के अंदर, क्योंकि कटिंग तब ही होगी, सिंपलीफिकेशन तब ही होगी जब अंदर रेडिकेंड को भी उसी पावर में लेके आएंगे जो रेडिकल की पावर। तो ये क्यूब आ गया, -5 का क्यूब है, क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया मेरा बेटा, तो हमारे पास -5 आ गया। इसी तरह 32 का 4th रूट है, 16 × 2, ठीक है। इसको आप अगर इस तरह आपको क्लियर नहीं होता तो आप 32 का लहदा फैक्टराइज करके, यानी 2 × 2 × 2, यानी 2 की एक्चुअल में 5 बनती पार, तो इसको फैक्टर जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे करके इसको करके अपने अपनी सहूलत के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सिंपल किया हुआ है 16 × 2, क्योंकि 16 फोर्थ रूट है 2 का और 2 अकेला से बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है जी। अब फोर्थ रूट जो है उसके ऊपर पार आ गई, क्योंकि इसके ऊपर हमने पार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपलीफाई नहीं होगा, तो ये सिंपलीफाई होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, ये कटिंग होकर हमारे पास आंसर भी आ गया, ठीक है जी। अब आ गया जी हमारे पास 3/32 होल पावर, इसकी जो इसका 5th रूट है, ये इंडेक्स पावर कितनी है 5। 3 के ऊपर भी हमने अलग, ये भी रेडिकल लॉ है कि अगर अंदर फ्रैक्शन है और उसके ऊपर सेम रूट है उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं,
ठीक है जी, ये 3 का फिफ्थ रूट हो गया, 32 का फिफ्थ रूट हो गया। 32 जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि वो 2 की पावर 5 बनता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए आप कर सकते हैं। इसको कैंसिल किया तो हमारे पास अकेला 2 बच गया, तो आंसर आ गया 3। 3 को हमने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है बेटे, ठीक है जी। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी हर क्वेश्चन की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर। बेटे कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं इसको प्रैक्टिस पे लाएं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आज जो एक्सरसाइजेस हमने की हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देन और एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। आगे हमारी एक्सरसाइज 2.4 इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट भी है और लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से ही आता है। तो कोशिश कीजिएगा आप इस लेक्चर को और लाजमी और हर लेक्चर को तवज्जो से सुने। अगर कोई क्यूरी आती है तो बेटे आप उसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सेहत अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।